बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रोजेक्टाइल देख रहे थे। प्रोजेक्टाइल ऐसे मोशन होती है जो टू डायमेंशनल है, और कोई भी प्रोजेक्टाइल जब फ्लाइट करता है, उड़ता है, कौन सी शक्ल बनाता है, ये हमने देखा है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन सी शेप बनाता है। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। इस शेप को हम कहते हैं इट इज़ पैराबोला। इसकी पैराबोला शेप को प्रूव करना है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है पैराबोला की, वो है वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए बी इसमें कांस्टेंट है। हर शेप की अपनी इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। सर्कल है जिसका रेडियस आर है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसी तरह से हाइपरबोला की अपनी इक्वेशन है। तो हमें देखना है कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन इनमें से किस से मैच करती है। सॉल्व कैसे करेंगे? इन दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री से आप टाइम की वैल्यू निकाल लें। एक्स बराबर वी ए कॉस थीटा टी है, टी की वैल्यू क्या होगी? एक्स डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा। टी की ये वैल्यू इक्वेशन फोर में पुट कर लें जहाँ जहाँ टी इन्वॉल्व है। पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फोर, y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी, एक्स ओवर वी आई कॉस थीटा माइनस हाफ जी, एक्स डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा सारे का स्क्वायर कर ले। ठीक है, जहाँ t था उसकी जगह मैंने वैल्यूज़ पुट कर लें t की। वी आई कैंसिल हो गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा एक्स इज इक्वल माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें टेन थीटा को आप कह लेंगे कॉन्स्टेंट ए है, और एक्स स्क्वायर के अलावा जो कुछ है ये कॉन्स्टेंट बी बन गया। तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ये किससे मिलती जुलती है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला से मिलती है। तो आप कह सकते हैं पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। प्रोजेक्टाइल की एप्लीकेशन है एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल की ही एप्लीकेशन है। बैलिस्टिक ट्रैजेक्ट्री कैसी होती है? हमें पता है जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो आपने उसको कुछ इनिशियल पुश दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या करेगी? प्रोजेक्टाइल को स्ट्रेट लाइन में ले जाने की कोशिश करेगी। ये इनिशियल वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल की इनर्शिया बन जाती है। तो एक फोर्स जो प्रोजेक्टाइल पे लग रही है वो इनर्शिया है। दूसरी फोर्स होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी की कोशिश क्या होती है? इनर्शिया की कोशिश है बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए, जबकि इनर्शिया की कोशिश है बॉडी वहीं ज़मीन पे गिर जाए। तो इनर्शिया और ग्रेविटी के कम्बिनेशन से न बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है न वहीं गिरती है, बल्कि पैराबोला शेप बनाती हुई यहाँ पर आके गिर जाती है। जो बैलिस्टिक ट्रैजेक्ट्री, ट्रैजेक्ट्री रास्ते को कहते हैं, जो बैलिस्टिक ट्रैजेक्ट्री है वो अनपावर्ड
और अनगाइडेड होती है। अब दरमियान में ना तो इसकी पावर बढ़ा सकते हैं ना इसको गाइड कर सकते हैं कि वहाँ ना गिरे वहाँ गिर जाए। एक बार जिस निशाने पे हिट कर दिया वहीं जाएगा, इसको दरमियान में गाइड करना पॉसिबल नहीं है, ना ही इसको दरमियान में कोई पावर दी जा सकती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल भी ऐसे बनाया गया है, फर्ज़ करें 2000 किलोमीटर दूर दुश्मन है, आपने इस पर मिसाइल फायर करना है, तो उसके लिए पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि रेंज आपको पता है 2000 किलोमीटर, रेंज की इक्वेशन होती है वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो आपको क्या करना होगा, रेंज की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, मिसाइल की वेलोसिटी का पता होना चाहिए, जी को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो पहले एंगल मालूम कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें इस केस में एंगल आ गया 65 डिग्री, तो गया जब हम मिसाइल को अपने लॉन्चिंग पैड से 65 डिग्री से हिट करेंगे तब ये 2000 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा। ये कैलकुलेशन की जाती है जिससे मिसाइल को हिट किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल की। तो इसमें मोस्टली निशाने खता जाते हैं, हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाए, फ्रिक्शन का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये इतना रिलायबल मिसाइल नहीं होता। आजकल मॉडर्न वार में गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। गाइडेड मिसाइल मुकम्मल आपके कंट्रोल में होते हैं, जहाँ दिल करे गिरा दें, जहाँ इनकी पावर बढ़ा सकते हैं, तो ये पावर्ड और गाइडेड होते हैं, इनको कहीं भी गाइड किया जा सकता है, कहीं भी गिराया जा सकता है, तो ये अच्छे मिसाइल हैं। थैंक यू।